फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर कुछ खास मौकों पर ही WWE में नजर आते हैं और अपना टाइटल डिफेंड करते हैं, ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो एक पार्ट टाइमर है। वहीं देखा जाए तो लेसनर WWE के लाइव इवेंट्स में भी बहुत कम ही दिखते हैं, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल PPV में अपना यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करा था केन और ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ, बट आने वाले PPV एलिमिनेशन चैम्बर में ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले हैं। बट इस PPV में होने वाले ट्रेडिशनल 6 मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में से जो जीतेगा ब्रॉक लेसनर उसके खिलाफ टाइटल डिफेंड करने वाले हैं WrestleMania 34 में। आपको बता दूं, नेक्स्ट मंथ मार्च में ब्रॉक लेसनर 4 लाइव इवेंट्स में दिखेंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ब्रॉक लेसनर पूरे मंथ इतना बिजी रहेंगे और ये काफी टाइम बाद होने जा रहा है। ब्रॉक लेसनर एक महीने में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार अपीयरेंस देते हैं WWE में, बट पहली बार वो लगातार 4 इवेंट्स में दिखने वाले हैं, जिसके लिए मैचेस भी अनाउंस हो चुके हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मार्च के पहले लाइव इवेंट्स में ब्रॉक लेसनर फेस करेंगे द बिग रेड मशीन केन को, जो कि 3 मार्च 2018 को शिकागो के यूनाइटेड सेंटर में होगा। वहीं मार्च के दूसरे लाइव इवेंट्स में ब्रॉक लेसनर फेस करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द मिस को, और ये एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा जो कि 9 मार्च 2018 को टारगेट सेंटर मिनियापोलिस में होगा। वहीं मार्च के तीसरे लाइव इवेंट्स की बात करें तो उसमें ब्रॉक लेसनर एक ट्रिपल थ्रेट मैच का हिस्सा होंगे और फेस करेंगे केन और ब्रॉन स्ट्रोमैन को। यह यूनिवर्सल टाइटल मैच होगा जो कि 16 मार्च 2018 को मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में होगा। ये रॉयल रंबल की तर्ज पे मैच बुक किया गया है। वहीं बात करें मार्च के 4th लाइव इवेंट्स की, तो वहां ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया जा रहा है, बट अभी तक उनके अपोनेंट्स का नाम रिवील नहीं हुआ है, मतलब सामने नहीं आया है। ये लाइव इवेंट 30 मार्च 2018 को TD गार्डन बोस्टन में होगा। ये WrestleMania 34 से पहले आखिरी लाइव इवेंट होगा जिसमें ब्रॉक लेसनर हिस्सा लेंगे। तो ये था ब्रॉक लेसनर का लाइव इवेंट्स का प्लान, जो कि काफी बिजी रखेगा ब्रॉक लेसनर को मार्च के महीने में। फिलहाल ब्रॉक लेसनर हमें एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं दिखने वाले, बस वो बैठ के देखेंगे कि कौन उनका अपोनेंट होने वाला है WrestleMania 34 के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल बटन पे चॉक स्लैम F5 पावर स्लैम मार के जरूर दबाइएगा। थैंक यू।